तो आज शहर में आ चुका है भूतिया जादूगर, क्योंकि उसे पता लगा है शहर के किसी एक कोने में एक जादुई पत्थर है जिसके जादुई शक्ति की मदद से वो सारे शैतानी शक्ति को अपने काबू में कर पाएगा और वो पूरी दुनिया में राज करेगा। दूसरी तरफ हमारा फ्रैंकलिन बहुत दिनों के बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव वापस जा रहा है, क्योंकि उसके पास ना तो ज्यादा पैसा है और ना तो उसके पास कोई जॉब है। इसलिए उसने डिसाइड किया अपना घर बेच के गांव में एक जमीन खरीदेगा और गांव जाके खेतीबाड़ी करके पैसा कमाएगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि आज उसकी जिंदगी एकदम बदलने वाला है, जो वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे बाप रे, आज इतने सारे कुत्ते क्यों घूम रहा है, कहीं काट ना ले। अरे लगता है ये लोग रो रहा है। जो भी है, थैंक गॉड मेरा पीछा नहीं किया। अरे इस लड़की को क्या हो गया, जरूर उस लड़के ने बदतमीजी की होगी इसके साथ। अरे बहन क्या हुआ? अरे मुझे बहुत डर लग रही है। क्यों, क्या हो गया? अरे शहर में एक भूतिया जादूगर आया है जो किसी जादुई पत्थर को ढूंढ रहा है, और उसने बोला है जो शहर से बाहर जाएगा उसे वो जादू से कुत्ता बना देगा। क्या भूतिया जादूगर पत्थर? अरे चल जा रे, लगता है इसकी सटक गई है। तो दोस्तों, यहाँ फ्रैंकलिन को लगता है वो लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुँचता है, वो देखता है ट्रेन के पटरी में बहुत सारा सिलेंडर के शेप में कुछ रैम्स पड़ा है। ये देख के फ्रैंकलिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। इसीलिए वो आसपास के लोगों को पूछता है, तो एक आदमी बोलता है, अरे ये तो वो भूतिया जादूगर का काम है, वो कल रात को यहाँ पर आया था। और इतने लोगों के मुंह से भूतिया जादूगर का नाम सुन के फ्रैंकलिन को धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि सच में कोई भूतिया जादूगर आया होगा। लेकिन फ्रैंकलिन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था वो अब से शहर के किसी भी लफड़े में नहीं घुसेगा, क्योंकि इन लफड़ों की वजह से उसे कोई काम नहीं देता। इसीलिए वो गांव जाने के लिए ट्रेन को ड्राइवर को बोलता है ट्रेन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर बोलता है, अरे ऊपर से उड़ा रहा है, आज से सारे ट्रेन बस ऑटो सब कुछ बंद रहेगा। ये सुन के बंटी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो घर था और ना तो पैसा, क्योंकि उस पैसे से वो जमीन खरीद लिया। तो फ्रैंकलिन सोच में पड़ जाता है, तभी उसे एक कॉल आता है। हेलो हेलो फ्रैंकलिन, मैं कलुआ, जल्दी से मेरे घर के पास आ जा। अरे क्या हो गया? हेलो कलुआ, अरे फोन काट दिया। तो फोन की बात सुन के फ्रैंकलिन सीधा चला जाता है कलुआ का घर, और पहुंचते ही फ्रैंकलिन को पता लगता है उसका बहन कम्मो, जो फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड थी, वो एक कुतिया बन चुकी है। अब फ्रैंकलिन को पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई जादूगर है इस शहर में जो लोगों को कुत्ता बना रहा है, क्योंकि उसके घर के सामने भी बहुत सारा कुत्ता भौंक रहा था। तो फ्रैंकलिन अपने गर्लफ्रेंड को फिर से इंसान बनाने के लिए उस जादूगर के पास जाने का फैसला करता है। फिर उसका दोस्त का जी वैगन कार लेकर वो चला जाता है पुलिस की मदद लेने। लेकिन पुलिस स्टेशन के हर पुलिस हर कैदी बन चुका था कुत्ता। उत्तरी, यहाँ तो पुलिस भी कुत्ता बन गया, मतलब वो जादूगर यहाँ आया था। बंटी पुलिस स्टेशन से निकल ही रहा था, तभी उसे एक आइडिया आया। अरे एक मिनट, अगर मैं यहाँ से एक कुत्ते की मदद लेता हूँ तो मैं जादूगर तक पहुँच पाऊंगा, क्योंकि इनके पास तो सूंघने की ताकत है और ये लोग जादूगर का चेहरा भी देखा है। तो फ्रैंकलिन फाइनली उस जादूगर को ढूंढने के लिए एक कुत्ता लेके चला जाता है, जहाँ उसे बहुत ही मुश्किल रास्ता पार करना पड़ा। और बहुत मुश्किल का सामना करते हुए वो पहुँच जाता है उस जादूगर के पास। भूतिया जादूगर, आज तेरा सारा भूतियागिरी खत्म कर दूंगा। जादूगर फ्रैंकलिन को देख के सोच में पड़ जाता है, और वो सोचता है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे पास कोई नहीं पहुंच पाया। ये लड़का बहुत होशियार है, यही लड़का मेरा जादुई पत्थर ढूंढ कर देगा मुझे। ओ जादूगर, चल मेरे शहर के सारे लोगों को फिर से इंसान बना। हाँ हाँ बना दूंगा, लेकिन तुझे एक जादुई पत्थर ढूंढना पड़ेगा जो लाल कलर का है और वो हवा में उड़ता है। उसे आगे ढूंढ के लाया तो जो बोलेगा मैं वही करूंगा। ये सुन के फ्रैंकलिन उसका बात मान जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसीलिए वो निकल पड़ता है वो लाल पत्थर ढूंढने के लिए। और 7 दिन बाद फ्रैंकलिन पत्थर ढूंढते हुए पहुंच जाता है एक जंगल में, और आखिरकार उसके साथ मुकाबला होता है एक डायनासोर का, जिसको वो गोली से छन्नी कर देता है। और उसके बाद उसे दिखाई देता है वो लाल पत्थर जो उस डायनासोर के मुंह के अंदर था। फ्रैंकलिन पत्थर लेके सीधा जादूगर को दे देता है। जादूगर भी अपने मंत्र से इंसानों को फिर से वापस लाता है। तूने जो बोला था मैंने कर दिया। फ्रैंकलिन को पहले विश्वास नहीं होता कि लोग ठीक हो गए, लेकिन जब पुलिस स्टेशन लौटता है वो देखता है सारे पुलिस नॉर्मल बन चुका है। सारे पुलिस लोग मिलकर फ्रैंकलिन को शाबाशी देता है, और सरकार के तरफ से उसे मिलता है एक जी वैगन कार और साथ में पुलिस की नौकरी। लेकिन दूसरी तरफ जादूगर को मिल गया था लाल पत्थर। अब वो उस लाल पत्थर से सारे शैतानी शक्ति को जगा रहा था, लेकिन उस पत्थर से कोई असर नहीं होता। जादूगर बार बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता। वो समझ जाता है फ्रैंकलिन ने उसको जो पत्थर दिया है वो एक नकली पत्थर है। धोखा नहीं फ्रैंकलिन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और आप कौन सी मॉन्स्टर के ऊपर कहानी देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। बाकी अच्छा लगा तो लाइक भी ठोक देना।